मैं जो कविता पाठ करने जा रहा हूँ, या कोई कविता नहीं, कोरोना से भयाक्रांत एक मानव का उद्गार है। सुनिए, कोरोना ने जीवन पर ऐसा वार किया है, रास्ते से गुजरने पर गुजरने का एहसास दिया है। कोरोना ने पल पल लंका दहन को चरितार्थ किया है। आकाश, पाताल, जल, वायु और खाद्यान्न में कोरोना नजर आता है। आंखें मूंदने पर भी कमबख्त आंखें दिखाता नजर आता है। सोने भी नहीं देता चैन से, घर वालों के खर्राटे में फर्राटे भरने का एहसास हमें देता है। सपनों को भी इसने हाईजैक कर लिया है। मर्दूद वहाँ तांडव नृत्य में मशगूल नजर आता है। हे भगवान, तुम तो बंद हो गए अपने घर में और मुंह मोड़ लिया हमसे। अब तो धरती के भगवानों पर आस लिए बैठा हूँ, उनके लिए दुआ भी तो नहीं कर सकता। तू तो घर में सांकल लगाए दुबका है। तुम तो पलटवार करोगे कि घर में ही करो पूजा। भगवान गुस्ताखी माफ, जब घर में ही तेरा है वास, उन महलों में तेरा क्या है काम। वहां तुमको हमने शान से बिठाया, सोने चांदी और सिक्कों के चढ़ावे से भर दिया तेरा टकसार। यदि घर के भगवान की सुनो पुकार, तो खोल दो अपना भंडार और लगा दो सारा धन इस कोरोना पर करने को प्रहार। जिंदा रहेंगे तो फिर भर देंगे तुम्हारा टकसार। जब तक तुम मेरी बातों पर करो विचार, सोचता हूं अब चढ़ावा इन्हीं भगवानों के मंदिर में दूं। कम से कम तूफान में इन्हीं के पतवार का सहारा है। कोरोना से लड़ने वाले इन भगवानों को प्रणाम करता हूं। आगे कभी इनके सम्मान पर प्रहार न करूं, ऐसा उन्हें विश्वास देता हूं।